तो दोस्तों ये डायलिसिस रूम में हम यहाँ पर देखिए डायलिसिस हो रही है। इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये वायरिंग इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सर हमने सुना है यहाँ पे डॉक्टर निकिता त्रिहान गायनेकोलॉजिस्ट हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। बहुत सुना है डॉक्टर के बारे में। मैडम से हमने यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स मिल जाते हैं मैम, किस टाइप की सर्जरीज हो जाती हैं ऑफिस में। यहाँ के ऑन ड्यूटी डॉक्टर से हम मिले। सर क्या नाम है आपका? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल टूर व्लॉग्स। प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम आए हैं सनराइज हॉस्पिटल शाहीनबाग में। सनराइज हॉस्पिटल शाहीनबाग में जसोला से नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ते पर, जहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स है, वहां पर पड़ता है जी ब्लॉक में। आप पूरा एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं लोकेशन के साथ में। तो आइए दिखाते हैं इस हॉस्पिटल में आपको कौन कौन सी डॉक्टर्स और कौन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये है सनराइज हॉस्पिटल का रिसेप्शन एरिया, बहुत ही अट्रैक्टिव और पीसफुल। यहाँ पे रिसेप्शन स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। सुना है यहाँ पे डॉक्टर निकिता त्रिहान गायनेकोलॉजिस्ट हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। बहुत सुना है डॉक्टर के बारे में। निकिता त्रिहान का जो यूएसपी है वो सारी कीवो सर्जरीज करती है, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लीट सर्जरी है वो करती है, उसको कीवो सर्जरी। और यहाँ पे ओपन सर्जरीज होता ही नहीं। बस डॉक्टर निकिता के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है लार्जेस्ट स्ट्रेटस यानी फाइब्रॉइड निकालने का। लैब्स में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? ब्लड टेस्ट वगैरह या एक्सरे वगैरह, सारे ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं, एक्सरे करते हैं, ईसीजी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं सर। इवन मैंने सुना है यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड के लिए फीमेल डॉक्टर है अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड के लिए फीमेल डॉक्टर ही अवेलेबल है, बिकॉज नॉर्मली फीमेल्स आर मोर कंफर्टेबल देन मेल एक्चुअली, दैट्स व्हाई वी गेट द फीमेल रिजल्ट्स। राइट सर। हम लोग के यहाँ पे सर क्या है, थर्ड फ्लोर है जो कि पूरा फीमेल ओरिएंटेड फ्लोर है सर। वहाँ पे सारा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इवन हाउसकीपिंग स्टाफ, डॉक्टर सब फीमेल ही हैं सर। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जैसा हमें सर से पता चला, सनराइज हॉस्पिटल शाहीन बाग में थर्ड फ्लोर डेडिकेटेड है फीमेल्स के लिए। वहाँ सारा स्टाफ फीमेल है, सारे डॉक्टर्स फीमेल्स हैं और सभी फीमेल्स पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट वहाँ पर अवेल कराया जाता है। तो जैसा कि ये एरिया शाहीन बाग एक मुस्लिम एरिया कहलाता है, तो मुस्लिम्स में फीमेल एक प्राइवेसी ज़्यादा पसंद करती हैं। मिलेंगे। और यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो भी लेडीज डॉक्टर ही करती हैं। तो जितने भी फीमेल पेशेंट जो लेडीज डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं वो सब यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और लेडी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। यहाँ के ऑन ड्यूटी डॉक्टर से हम मिले। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सिद्दीकी सर। डॉक्टर सरफराज अहमद। तो इन डॉक्टर से हम मिले जो यहाँ पे देख रेख करते हैं। सर किस तरीके के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं यूजुअली? ट्रॉमा के हमारे पीडियाट्रिक्स के बच्चे आते हैं, सर्जरी के पेशेंट आते हैं, गायनी के पेशेंट आते हैं, तो ओवरऑल सारे पेशेंट हमारे मेडिसिन के आते हैं। ओके, तो सभी तरह के तो सर, ये बेसिकली ये तो हमारा ये इमरजेंसी की केसेस सारे आपके डिपार्टमेंट में आते हैं। राइट सर। तो सर यहाँ पर ऑल द टाइम आप ही लोग अवेलेबल होते हैं या कोई लेडी डॉक्टर्स भी अवेलेबल होती हैं? लेडी डॉक्टर जो तो ड्यूटी हमारी शिफ्टिंग में चेंज होती है, मॉर्निंग में कोई और आएगा, इवनिंग में कोई और आएगा, नाइट में कोई आता, कभी लेडी डॉक्टर नाइट में होंगी, कभी दिन में होंगी, रोटेशन चलता है। तो सर जिन डॉक्टर्स को यहाँ पर एडमिट होने की जरूरत पड़ती है, तो इस टाइप की फैसिलिटीज आपके पास हैं कि वो यहाँ पे एडमिट हो सकते हैं या सिर्फ डे केयर फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं? सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है, रूम्स है, आईसीयू है, क्रिटिकल केयर है, सभी तरह की फैसिलिटी हमारे पास। डे केयर भी है, यहाँ हम लोग करते हैं जी, यहाँ दूसरे रात के मरीज का मैनेजमेंट भी करते हैं, बाद में डिस्चार्ज कर देते हैं, ऐसा भी है।
ओके तो दोस्तों देखा जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटी आपको मिलती है, डे केयर भी है और उसके अलावा एडमिट करने के लिए भी आपको आईसीयूज भी हैं, जनरल वार्ड्स भी हैं, प्राइवेट वार्ड्स भी हैं। तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं इनके सभी फ्लोर्स पे और दिखाते हैं किस फ्लोर पे किस टाइप के रूम्स अवेलेबल हैं और किस टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ओके थैंक यू। दोस्तों हैं सनराइज हॉस्पिटल की फार्मेसी पर। तो ये सनराइज हॉस्पिटल की फार्मेसी है, आप इसका एक क्लोज व्यू देखिए। तो सर यहाँ मेडिकल स्टोर पे किस किस टाइप की दवाइयाँ मिल जाती हैं? ऑल मेडिसिंस मिल जाती हैं भाई साहब, हमें बता रहे हैं ऑल मेडिसिंस मिल जाती हैं, बच्चों की बड़ों की हर टाइप की दवाइयाँ मिल जाती हैं। ठीक, अगर इमरजेंसी में किसी को आना हो दवाई लेने के लिए तो कितने बजे तक मेडिकल स्टोर आपका खुला रहता है सर? हमारा 24x7 खुला रहता है। तो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आइए आप अपना साथ में, ताकि आपको जेन्युइन दवाइयाँ इजीली मिल सकें और इन लोगों को भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर प्रिस्क्रिप्शन लाएंगे आप तो आप कभी भी आ सकते हैं दिन में रात में, अगर आपको दवाई चाहिए, आप आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको किसी भी टाइप की दवाई की दिक्कत है, रात में आपको दवाइयाँ चाहिए हैं, आप यहाँ आके दवाइयाँ ले सकते हैं। मैडम से हमने यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स मिल जाते हैं, मैम किस टाइप की सर्जरीज हो जाती हैं? सर्जरी सर यहाँ पर गायनी की टोटल सर्जरी होती है, लैप्रोस्कोपी सर्जरी होती है, जनरल सर्जरी होती है, ओके, ऑर्थो सर्जरी होती है, स्पाइन सर्जरी होती है, न्यूरो सर्जरी होती है। ओके मैम, डिपार्टमेंट सर्जरी। तो मैम यहाँ पे जो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं वो फुली एक्सपीरियंस होते हैं? ओके, और डे नाइट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं 24/7? ठीक है मैम। तो जैसा कि मैडम से हमने पता करा, मैडम ने बताया कि यहाँ पे हर टाइप की सर्जरीज अवेलेबल हो जाती हैं। तो जिस भी लोग को किसी भी टाइप की सर्जरी की प्रॉब्लम्स हैं, करवानी है, यहाँ आइए, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है और बहुत ही मुनासिब रेट्स पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए, जिनको भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एक बार यहाँ ज़रूर आइए। थैंक यू। तो ये है सनराइज हॉस्पिटल का ओटी एरिया। जैसा कि हमें अभी डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पर सभी मेजर सर्जरीज होती हैं और वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स यहाँ पे सर्जरीज के लिए अवेलेबल हैं। टेस्ट है, फीमेल वार्ड नर्सरी भी है, यहाँ पे बच्चों को और लेडीज के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है। और ऑन ड्यूटी डॉक्टर से पता चला कि यहाँ पर सभी टाइप के फीमेल के से रिलेटेड। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सनराइज हॉस्पिटल के ओटी एनआईसीयू आईसीयू एरिया में, चलो आपको अंदर से व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों आईसीयू विंग में एंटर करते ही पहले हमें चेंजिंग रूम मिलता है, उसके बाद में हमें ही आईसीयू एरिया मिलता है। आईसीयू में हम बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स को रखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस टाइप के पेशेंट्स होते हैं। ये नर्सिंग स्टेशन है, क्या कौन सा एरिया है मैडम? ये आईसीयू है। ये आईसीयू है, इधर से जा सकते हैं हमें थोड़ा सा? ये आईसीयू एरिया है, यहाँ पे देखिए पेशेंट्स हैं, इनका इलाज चल रहा है। क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए ये एरिया बना हुआ है, बहुत साफ सुथरा है और बहुत ही। तो अब हम आ चुके हैं सनराइज हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे। सनराइज हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे डायलिसिस रूम है, चलिए हम आपको दिखाते हैं डायलिसिस रूम। तो देखिए आप ये देख सकते हैं डायलिसिस रूम है सनराइज हॉस्पिटल का, यहाँ पे हम आपको पेशेंट्स। तो दोस्तों ये डायलिसिस रूम में हम यहाँ पर देखिए डायलिसिस हो रही है, इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये वायरिंग इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत फ्रेंडली यहाँ पे सारा स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पेशेंट्स के साथ में भी बहुत फ्रेंडली हैं, हर एक परेशानी पेशेंट की बहुत आसानी से सुनते हैं और उसका पूरा उपचार करते हैं। यहाँ पे डायलिसिस की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जब भी आप आते हैं यहाँ पे आपको डायलिसिस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको डायलिसिस का सारा यहाँ पे इजीली ट्रीटमेंट हो सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।